भागलपुर नाथनगर ललमटिया थाना क्षेत्र के नसरत खानी इलाके में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए ललमटिया थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार ने गंभीर रूप से घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान खगड़िया जिले के गुबरी थाना क्षेत्र लक्ष्मिया गांव निवासी बंटीलाल यादव के 25 वर्षीय पुत्र राजेश कुमार के रूप में हुई है। मृतक के जीजा रमन यादव ने बताया कि राजेश करीब 10 वर्षों से साहिबगंज में रहकर TMBU से अपनी पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की देर शाम किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर मिलने के लिए नसरत खानी बुलाया, जहां पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों की माने तो पैसे लेन देन के विवाद को लेकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। इधर मामले की सूचना मिलते ही भागलपुर SSP बाबू राम घटनास्थल पर पहुंचे और ललमटिया थानेदार को अविलंब हथियारों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। SSP ने कहा कि मौके से सभी साक्षियों को एकत्रित कर पुलिस जाँच में जुट गई है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। के मारा पता नहीं, पैसा लेने के लिए गाय बोला घर पर बोले अखने आई। अच्छा, पैसा मांगा मांगने के लिए बुलाया है, हम बोला घर पर आई, घर पर बोला हमको गाड़ी में है, बोला दिया तुरंत मर गया आदमी। हां के रणवीर है, रणवीर कहां है, रणवीर के उससे पैसा लिया था मेरा भाई से। हां कौन मारा है पता है, ये हम नहीं जानते। अच्छा, इससे कोई पुरानी रंजिश? पैसा दे अभी कुछ देर पहले यहाँ एक युवक को गोली मारी गई थी। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ इलाज के क्रम में उसकी डेथ हो गई। अभी यहाँ जांच पड़ताल जारी है, कुछ बातचीत पता चली है, जल्दी ही घटना का पर्दाफाश होगा और जल्दी ही अपराधी की गिरफ्तारी होगी। सर क्या लग रहा है, प्रथम दृष्टि आपकी जाँच में क्या आया? सर अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, कुछ कुछ जानकारी मिली है, लेकिन कल मीडिया को कल बताएंगे, कल तक इसमें हो सकता है पूरा। सर मौके से कुछ बरामद हुआ है? हाँ, मौके से कुछ खाली खोखा बरामद हुआ है। अभी गाड़ी है यहाँ पर, जिस गाड़ी से मेरे तक जा रहा था। इसकी हत्या हुई है सर, वो यहाँ पे पढ़ाई करने की बात सामने आ रही है, वो कुछ ठेकेदार का शाला बताया जा रहा है। हाँ ये बात सही है, लेकिन घटना के कारण क्या रहे, घटना किसने की, क्योंकि इसमें कुछ जानकारी हम लोग जुटाए हैं, कुछ और जानकारी हमें जुटा रही है टीम, कल तक मामला पता चल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। निकालो गाड़ी जल्दी।